नारी चरित करे ढाजई आंसू, ढाजई आंसू। आज मैं क्या देख रही हूं, मेरी दासी मंत्रा जब भी मेरे समीप आया करती थी मुझसे मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन आज मेरी दासी मुझसे दूर है, रुदन कर रही है, नागिन जैसी फुसकार लगा रही है, बालों को बिखेरे है, कारण क्या हो सकता है? चल रही हूं दासी से बातें करूं। दासी, ए दासी, अरे दासी, अरे बोले ए दासी, दासी तो बहुत नाराज है, क्या कारण है जो आज दासी मुझसे इतनी नाराज है? मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया क्या? दासी, मुझे लग रहा है मैंने ये सुंदर सिंगार बहू सीता से करवाया, इसलिए तुम मुझसे नाराज है ना? इसमें भी नहीं, मुझे लग रहा है लक्ष्मण शरारती है, उसी ने तुम्हें कुछ कह दिया होगा। अरे तो कारण क्या है, किसी ने कुछ कह दिया? तो बोल दासी, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसकी चिप्पियां कटवा डालूंगी, अगर तुझे किसी ने आग दिखलाई हो तो मैं उसकी आंखें भरवा डालूंगी। बोल क्या कारण है, देखो ना हमने कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हैं। और हम सब देसी जो रो रही सगुन सायतो ये कैसे ला चढ़ते सिख दे हमें कोमाई गाल करब कहकर बल पाई, मैं किस कर बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी, है तुम्हारे अलावा और कौन है मेरा? तुम कहती हो सबकी कुशलता है, तो महारानी एक को छोड़ करके किसी की कुशलता नहीं है, ना तुम्हारी ना तुम्हारे बेटी की कुशलता नहीं है। तो कुशलता किसकी है? राम ही छाण कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है, जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? महारानी सोचो, जिसको राजपाट मिल जाएगा
अधिकार मिल जाएगा और जिसको सत्ता मिल जाएगा लोग उसी की जय जयकार करते हैं, और जिसको कुछ नहीं होता, पद नहीं होता, उसको कोई पूछता नहीं है महारानी, क्योंकि जिसका कल होगा राजे तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। रानी किस घोरे नींद में हो और लोक चाल राजा की महाराज मेरे कच्छ में आकर के चौपर खेलते हैं। नहीं महारानी, अब तो खुल गए भाग अब कौशल्या आगे है दया उसी पर भी देना की। रानी किस घोरे नींद में हो और लोक चाल नजर राजा की। महाराज आते रहे तो तुम वो तुम्हारी बहन कौशल्या सौतन रोपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही और वही बाण आप चला रही है महारानी। वो ईसा रूपी बाण जब तुम्हारा बेटा ननिहाल चला गया तो महाराज को अपनी तरफ कर लिया है वो सौतन। वह तीर निकाली ने बाला है, वह भेज रहे थे तो भरत लाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे। दासी साथ हो जा दुष्ट कहेगी चंडालिन कठफोड़ी उड़ जा यहां से। अरे जय जय निकल यहां से, जल्दी निकल 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 यहां से दुष्ट कहेगी मार डालूंगी जान से। काली कुमड़ी कोटी कुटिल कुचाली जान इनके कुचाली को समझ लेना चाहिए। पुनः अस्कभौ कहे घर घर फोड़ी तब धर जीव कड़वा तोरी मार डालूंगी दोस्ता कहीं की। निकल जी महल महलों से, निकल निकल यहां से चल। अरे चल निकल यहां से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है जो सच रुई की अब तेरी को आई बन कर चिंगारी है जो सच। अब के जो है से बदल के तो यह मंत्र नुचवा लूंगी, और यह मैं तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस तुमको महिमा का वर दूंगी। तू मुख्य अंचरी है मेरी इस कारण पुरुष कार्य है
कलो है त्योहार हमारे घर दासी तुम्हारे भले के लिए कहा था कि महाराज और तुम्हारी सौतन कौशल्या मिल गए, वो देखो तो चालाकी से अपने बेटे को राजपाट दिला रही है। तुम अपने बेटे का अच्छाई नहीं देखना चाहती है, और मैंने कहा तो तुमने मुझको मार मार के सुथरा कर दिया। बा महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये मुझको हार देती हो कि मुझको हार की जरूरत नहीं है, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, ये हार तुम्ही को जरूरत है। मिलो ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल जिन हार की है जी तो राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कहती हो कि इस बार से बोली तो मुंह चुवा लूंगी। हाँ, आप महारानी हो, मैं दासी हूं, मुंह क्या, मुंह का नोच वालोगी, तुम तो मेरी मुंडी भी कटवा सकती हो, महारानी हो। लेकिन महारानी, जो झूठ फूरी बात बनाते हैं वो तुमको प्रिय है, जो सांची सांची बात कहता है उसी का तो कपार फूटता है। तुम्हारे भले के लिए कहा तो मेरा कपार फोड़ दिया, और कहती हो इस बार से अगर बोली तो मुंह नोच वालूंगी। अरे अब काहे को बोलूंगी, क्योंकि एक ही बार आज सब पूजी, अब कछु कहां जीव करी दूजी। ये मेरी जीभ है ना, ये कड़ुई शब्द बोलती है, मैं इसको कटवा करके फेंकवा दूंगी, अपन या मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, तब तुमसे बात करूंगी। अब हम वही कहेंगे जैसे वो कहते हैं ना तुमसे झूठ फूरी, वैसे मैं भी कहूंगी। हम कहा जो ठाकुर सुहाती ना ही तो मौन रहा दिन राती। मतलब जो ठाकुरों को अच्छा लगेगा आज से तुम वही कहोगी। हाँ, लेकिन महाराज ब्याज जी क्या करूं, जरे जोग स्वभाव हमारा अनभल देख न जाए, तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती, इसीलिए मैं बोल पड़ती हूँ। तुम्हें याद है जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? और देखिए मंत्रक किस प्रकार से महारानी केकई को भ्रमित कर रही है, इसी में प्रभावित हुए श्री अनमोल भैया जो उरई से हैं और हमारे जयकांत पंडित जी के भांजे हैं। आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं महारानी और मंत्रा जी के लिए, और इसी प्रस्तुति में हमारे श्री तारापस सिंह जी और वीर सिंह जी व भूपेंद्र भैया रामलीला कमेटी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। है नहीं याद होगा, बोली हो भूल जाती हो। सुनो, कुछ याद कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया, लेकिन अभी चलाकी को देखो किस ढंग से देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं।
दासी, तुम तो जानती हो मैं तुम्हें सपने में क्रोध नहीं करती, लेकिन आज तूने ऐसे कड़वे वचन कहे जो मुझसे सहन नहीं हुए। मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं रहती। आज दूर रहो महारानी। क्यों? तुम तो मेरी प्यारी दासी हो। और विवाद न सिख दीन हो तो ही सुधते सुबह गलो चाह दिन होई, सुधते सुबह गलो चाह दिन होई, तोरी कहा छोड़ो वाह दिन हो। दासी तुम तो जानती हो अगर ये तेरा कहना सत्य हो गया तो ये तेरा जो कुवर है मैं इसे सोने से मढ़वा दूंगी। लेकिन तुम तो जानती हो हमारे वंश की परंपरा है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुलदीप सोहाई। हमारे वंश की परंपरा है कि जेठे पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। लेकिन तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू तो भरत को, तू तो राम को बहुत चाहती है ना। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी राम को बहुत चाहती हूँ। सुनो दासी, अरे मुझको समान है राम भरत। अच्छा, अरे यह एक पेड़ की शाखे मुझ चिड़िया के ये दो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं। कारण है मुझे सुनाओ दासी, तुझे भरत की सौगंध है, तू कारण बता क्या कारण है। कहती हो महारानी मुझको दोनों समान है, राम भरत दोनों एक है, एक है एक आखिया, तो मेरे लिए कौन दोनों दुश्मना है? चाहे राम राजा बने और चाहे भरत लाल राजा बने, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी, महारानी न बन जाऊंगी। कौन हो हमें कहानी, चेरी छाड़ होब की रानी, मैं महारानी न बन जाऊंगी, महारानी ही बनूंगी। लेकिन तुमने भरत की शपथ दी है तो सुनो महारानी, कद्रु बिलता दीन दुख तुम्हें कौसला दे, भरत बंदी गृह से ही है राम लखन के नेब। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी ये बहन कौशल्या तुम्हें दुख देगी, रह गया तुम्हारा बेटा तो जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। सुन ले महारानी, रे खचाए कहां भल भांकी, भामने भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हैं जिस प्रकार दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तुम्हारी बहन कौशल्या तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर, कोई साफ सुधर दासी, मैं जीते जी मर जाऊंगी, सारा जीवन नैहर में व्यतीत कर लूंगी, लेकिन उस कौशल्या की शिकायत नहीं करूंगी। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना
अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग बता मुझको, हो भरत लाल का राज तिलक वो सरल उपाय बता मुझको दासी। का पूछो तुम अब हम न जाना, का पूछती हो महारानी हैं? अब भी नहीं जान पाई। ठीक है महारानी, उपाय पूछती हो तो सुनो तुम्हें। हाँ तो ठीक है महारानी, पूछ रही हो तो सुनो। दो वरदान थाती रूप में महाराज के पास रखे हैं तुम्हारे, दुई वरदान भूप संथाती मांगहु आज, काल नहीं मांगहु आज, जुड़ावहु छाती। ठीक है दासी, मुझे वो वरदान कौन कौन से मांग रहे हैं? दोनों वरदान मांग लो, अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? क्या मांगना है दासी? जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आए तो नृप जब अंतःपुर में आए तो तीसी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। क्या कह रही हो दासी? हाँ। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास? हाँ। लेकिन राम का कोई दोष नहीं है, है रामचंद्र भी राजकुमार, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और निपराधी है, कोमल है और निपराधी है, उनका कोई दोष नहीं है। 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं, 2-4 वर्ष ही काफी दासी। वाह महारानी, मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया और आप हैं कि वहीं झांसी हो। समझा कर मैं हारी, फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। तो दया न दिखाना, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब सौगंध राम की, यानी कि जब राम की सौगंध खा जाएंगे तभी वरदान मांग रहे हैं। ठीक है दासी, तुम यहीं पर रहना, मैं जा रही हूँ, कहाँ जाना है मुझे? अरे सब समझ गई हो, सब जान गई हो, अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में तुम। कोप भवन जाना होगा? ठीक है दासी, मैं जा रही हूँ कोप भवन। ठीक है, मैं देखती रहूंगी। प्रसंग बदलेगा, दशरथ जी और महारानी केकई जी का संवाद शुरू होने से पहले एक कैसे डांस आप लोग देखें और उसके बाद सुंदर संवाद। यदि पति अधर में पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए।
का समय हुआ और संध्या के समय महाराज श्री दशरथ जी अपनी प्रिय महारानी मझली महारानी केकई के पास में पहुंचे। आने वाला कोई तूफान है बड़ा, तूफान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आने वाला कोई तूफान है बड़ा बेईमान है आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा खिल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा खिल रही है, आने वाला कोई तूफान है बड़ा, तूफान है आज मौसम, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, साँझ समय सानंद नृप कयबुक के ही गे है, कबन निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने, आज का सारा दिन राजतिलक की तैयारी करते करते व्यतीत हो गया। और आप हमारे आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ है, और श्री तारापत सिंह जी वीर सिंह भैया समुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। सायंकालीन समय में हम दलपति की भांति आज भी अपने अंतापुर में आएंगे, लेकिन आज का यह शुभ समाचार सर्वप्रथम महारानी केकई को सुनाएंगे, क्योंकि महारानी केकई राम को सर्वाधिक प्रेम एवं स्नेह देती है। चलते चलते महारानी केकई के कक्ष के समीप आप पहुंचे, किंतु आश्चर्य की बात यहां कोई दासी भी उपस्थित नहीं है। आज से पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। दासी? हाँ महाराज। आयुष्मान भव, तुम्हारी सुलक्षणा स्वामी केकई इस समय कहां पर है? महाराज, महारानी इस समय गोप भवन में है। क्या? हाँ महाराज। गोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगे बुड़े परही न पाऊ। महाराज के डर के कारण पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज्यों ही सुना के गोप भवन में रानी, क्या सुन रहा हूं आज, हमारी प्रिय रानी के कई कोप भवन में, वो भी ऐसे शुभ अवसर पर,
विश्वास तो नहीं होता, किंतु जब कह कही गई दासी ने स्वयं बतलाया तो विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे भव्य वातावरण में यह अनिष्ट की आशंका कैसी, ऐसे मांगलिक समय में ये अमंगल का संकेत कैसा, यह क्या हमारे पैर भी हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। चलते हैं सच्चे तीर मगर झूठे दाव नहीं चलते, दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पाँव नहीं चलते। तो क्या हम वापस चले जाएं? नहीं, इस सब अवसर पर समस्त अयोध्यावासी प्रसन्न हैं और हमारी महारानी कष्ट में हो ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हम कोप भवन अवश्य जाएंगे, तभी ज्ञात होगा कि महारानी के कई को क्या कष्ट है। सभी नरी से प्रिया पही गया वो देखी दशा दुख दारुण भयाऊ, सभी नरेश प्रिया पही गया वो देखी दशा दुख दारुण भयाऊ। ये क्या देख रहा हूं आज महारानी की यह अवस्था, ये जो सुंदर परिधान कभी महारानी के तन पर सुशोभित हुआ करते थे आज जमीन पर पड़े हुए, और ये चंद्र का जो कभी महारानी कैकेयी के शीश पर शोभायमान हुआ करती थी आज वो जमीन पर धूसरित हो रही है। कारण क्या है जानना होगा। महारानी कैकेयी, ये आज क्या हुआ तुम्हें, क्या संकट है? ऐसा रूप आज से पूर्व हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तुम्हारे इस रूप से आज हमारे हृदय में अत्यंत पीड़ा हो रही है। उठो रानी, उठो उठो। ये क्या लगता है हमारी महारानी घोर निद्रा में है और कोई बहुत ही भयानक स्वप्न देख रही है। पुनः प्रयास करता हूं जगाने का। महारानी कैकेयी, ओम महारानी कैकेयी। रानी, तुम्हारा यह क्रोध मुझ पर हो ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि तुम सूर्यवंश की महारानी हो और यह व्यवहार तुम्हारे योग्य नहीं है। इसलिए उठो, मंगल साज सजाओ, आज बहुत ही मंगल में अवसर है। बहुत क्रोध में लगती है महारानी, किया है क्यों रंग तन का मेला, बिगाड़ा क्यों श्रृंगार अपना, उतार फेंक के ये वस्त्र और आभूषण, बदल दिया व्यवहार अपना, आखिर क्यों, क्या कष्ट है? महारानी आखिर बोलो क्या कष्ट है? बहुत क्रोध में हो, क्या किसी ने कड़वे वचन कह दिए हैं, या किसी से कोई अनर्गल प्रलाप हो गया है, हमें बतलाओ। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय मेरी रानी, हे प्राण प्रिय मेरी रानी,
क्या हुआ तो है? बोलो। अरे ये लटके मोती, तुम्हारी जो लटे इसके मोती ये बिखरे पड़े हैं। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मार मार कल मचला है, बेवक्त फूल से मुखड़े पर काका फूल का कल रंग बदला है। वस्तु की काम न हो या कुछ मांगना चाहती हो तो प्रेम पूर्वक मांग लो। महाराज चले जाओ मेरे पास से। क्यों मेरे पास चले आए? मैं कौन हूं तुम्हारी? चले जाओ उसी सौत के पास, उसी कौशल्या के पास। मेरे पास क्यों चले आए प्राणनाथ? चले जाओ मेरे पास से। मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ। कैरी मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? अरे पिया वो पिया तुम हमारे पिया। और आप हैं श्री राम जीवन राजपूत जी। अलकछुआ वालों की ओर से 51 मुद्राएं श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में। धन्यवाद। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया। और आप हैं श्री चंद्रपाल सिंह राजपूत जी जो ग्राम पवई से पधारे हैं। आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी और महारानी जी की प्रस्तुति में। धन्यवाद। और हमारे पिया, और हमारे पिया, और हट जाओ, और हट जाओ ना छेड़ो। Come on.
भी होती हो क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव बातों से मनाने आए हो। क्या कह रहे हो, मन में स्वार्थ रखते हम है, और इस जग में कौन हुआ किसी का, और इस जग में कौन अब हुआ किसी का, और ये सब मोह देखे की चाहते है, और है वही तो भारी प्यार किया है, वही तो भारी प्यार किया जिससे पूरी अब लायक है, वही तो भारी। और तुम कहते हो मांगो रानी, आप कह रहे मांगो, मैं क्या मांगू आपसे, जो मांगना चाहिए आप मुझे कुछ नहीं दे सकते महाराज। तुम कहते हो मांगो रानी, अरे वो जान मांग पर मिलती है, वो जान मांग पर मिलती है, मिलो मांगे मिलो मांगे मोती मिलते हैं, मांगे मिलते हैं, मांगे से भी खिला मिलती है, मांगे मोती। मांग मांग पे कह पिया कबहू देहु न लेउ, देन कहे वरदान दुई, देन देन कहे वरदान दुई, दे बाबू संदे। और इसी प्रस्तुति में आप हैं पुनः श्री राम जीवन सिंह जी राजपूत, आपकी ओर से पुनः सौ पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए सादर समर्पित हैं। और आदरणीय श्री मानसिंह बाबूजी अलकछुआ वालों की ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए, धन्यवाद। महारानी कह कही क्या कह रही हो, हम कौन तुम्हारी होती हूँ? जी महाराज, मतलब तुम हमारी कोई नहीं, कोई नहीं महाराज, हमारे प्यार का इम्तिहान ले रही हो। सुनो, अरे हमारा प्यार तुम्हारे प्रति कैसा है ये संसार जानता है, जानना चाहोगी? सुनो। और आप हैं श्री आनंद राजपूत जी इंजीनियर साहब, और श्री तारापत सिंह जी, भैया वीर सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी, आप सभी मित्रों की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए, धन्यवाद। मेरा प्यार ऐसा है महारानी, यदि कदाचित हमारी मृत्यु भी हो जाए तब भी हम तुमसे दूर नहीं होंगे, सुनना चाहती तो सुनो। मेरा प्यार वो है महारानी, मेरा प्यार वो है कि मर करके तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है। Yeah.
प्रेम पर संदेह करने वाली महारानी कैकेयी कहती हो कि देखिए ये मांग क्या दे सकती है। अरे सम्मान मांग कर रानी जी, पूछो अपनी पतियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भक्ति हो जिसे मोतियों से, कहती कि क्या दे सकती हो। अरे तो वैसे वैसे से मत मांगो, मांगो से जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, सदा वाच का सच्चा हो। अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन भाए सो ले लो। महाराज आप करे दो वर तो कोई चीज नहीं है, अगर वो चीज ना होती तो मैं आपसे मांगती कैसे। महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतवादी हो, कुल पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्राण वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज ये तुम्हारी परंपरा है महाराज, है ना। याद आया तुम्हारे दो वरदान महाराज धरोहर थे। सुनो महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, ना मैं क्रोध कर रही हूं, ना मैं आपका अपमान कर रही हूं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। ये क्या है सच, क्या है सच, तो ये है सच, सच तो ये है स्वामी जी, मुझे तुम पर सफल विश्वास नहीं। ये कब से हुआ ऐसा महाराज, सब पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर आप मुझे चिकनी चुपड़ी बातों में बहलाने आए हैं ना। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, मैं तुम्हारी बातों में बहकने वाली नहीं। महाराज मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाने पर, जी महाराज राम की सौगंध खा करके तुम वरदान प्राप्त करना चाहती हो जी, तो सुनो राम की सौगंध मैं तुम्हारे लिए खाता हूँ। ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मारक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, लेकिन हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार उस पाकर नाम की, जय रानी खाता हूँ सौगंध तेरे राम की, राम की, राम की। महाराज अब मुझे विश्वास हो गया, अब हुआ विश्वास, पूर्ण तरह से विश्वास हो गया। मांग लू? हाँ मांगो, मांगो, मांगो। ठीक है महाराज सुनो, ऐसे नहीं बिहस मांग मन भावती। अच्छा सुंदर रूप धारण करिए बेस, तो महाराज सुंदर रूप धारण करना है तो आप करिए। चलिए अब मांगो, अब मांगने में अच्छा लगेगा और हमें देने में भी आनंद आएगा। मांग लूं? सुनो महाराज, अरे लो सुनो प्राण पत, अरे प्राण नाथ, अरे वो थाती आज मांगती हूँ। कौन सी थाते? कौशल्या नंदन के बदले नित सुत को राज मांगती राम राजा हो रहा था, लेकिन राम राजा ना होगा,
मेरा पुत्र भरत राजा होगा इस अयोध्या का। और दूसरा वरदान मांगू? दूसरा वर क्या है? सुनो महाराज, दूसरा वर मांगो कर चोरी। कर चोरी? दूसरा वर मैं आपसे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। मांगू? मांगो। सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। क्या बोल रही हो? सुनकर कंपित मत होना, छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है तो वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये क्या मांग लिया दुष्ट रानी तूने आज? तुम्हारे मीठे मीठे मधुर वचनों में फंस करके आज मैंने अपना ही संसार उजाड़ डाला। मेरा मनोरथ रूपी कल्प व्यक्ति जो फूल चुका था, परंतु तुझ जैसी हथनी ने उसे जल समूल उखाड़ कर फेंक दिया। कावे ने आवे सरिका भयो, कावे ने आवे सरिका भयो, गायव नारे बेस्वाद योग सिद्धि फले समय जेते अब ध्यान। मेरा कल्प वृक्ष रूपी मनोरथ भंग हो गया, क्या होने वाला था और क्या हो गया। महाराज, मैंने पहला वरदान मांगा अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज, आपने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, आप रुदन करने लगे। भरत की रावण पुत्र न हुई कि भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे? तुम्हारे वंश में कितने बड़े राजा हुए? सत्यवादी थे नृपहरिश्चंद्र, जिसने संत तदा तरशंकर में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज सिवी थे जो स्वयं स्थान का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी दे देते थे महाराज। तीसरे महाराज सिवी दधीची थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा में एक कबूतर को, खुद मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। ऐसा नहीं है महारानी, जो तुम बोल रही हो ऐसा कदापि नहीं है। राम भरत में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मोरे राम मोरे राम भरत दोया खे, मोरे राम सत्य कहो, हाँ सत्य कहो, शंकर कर साखे सत्य कहो। महारानी, यदि भरत को राज तिलक चाहती हो तो रावस्य दे दूंगा, किंतु मेरी एक बात मान ले,
अवश्य दूते मैं प्रातः काल में दूतों को कह कह देश भेजूंगा अवश्य दूते मैं पठे वहो प्राय है बेग सुनते तो भ्रात आए है बेग जैसे ही तुम्हारा पुत्र व्रत आ जाएगा महारानी मैं शुभ मुहूर्त निकाल कर उसका राज्य अभिषेक कर दूंगा किंतु एक बात स्वीकार करो राम को राज का किंचित मात्र भी दोष नहीं है लोभ नहीं है लोभ न राम ही राज कर लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत मैं बड़ छट बिचारी करते रहो नृपुनीत मैं तू केवल छोटा बड़ा का विचार करके ही राम को राज से करना चाहता था महारानी हाँ यदि तुम तुम्हारे मन में कोई दूसरी भावना है कि महारानी कौशल्या ने कुछ कहा होगा तो ऐसा नहीं है महारानी कौशल्या ने कुछ नहीं कहा बस मुझसे एक ही भूल हुई है एक ही भूल हुई है देख रहे हैं आप लोग ये करुणामयी प्रस्तुति किस प्रकार से महाराज दशरथ विकल हैं और इसी करुण रस से ओत प्रोत सुंदर प्रसंग में संपूर्ण रामलीला कमेटी अलकछुआ आपकी ओर से सौ पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित है बहुत बहुत साधुवाद एक भूल के कारण महारानी ये भव्य वातावरण अमंगल में बदल गया सुनो वो भूल क्या है मैं सबके ने हाँ भूल एक है कि मैं सबके ने तोरे बिन पूछे मैं सबके ने काते पर मनोरथ छोचे ताते परे तुम्हारे पूछे बिना मैंने राज का राज्य सिद्ध करने की घोषणा की इसीलिए आज मेरा मनोरथ भंग हो गया और देखिए भंग हो गया श्री वीर सिंह राजपूत जी उनकी बच्ची और जो वर्तमान में दशरथ जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं श्री मूरज सिंह जी राजपूत उनकी बच्ची की ओर से भी ये सौ पुष्प मुद्राएं इन दोनों बहनों की ओर से श्री दशरथ जी के करुण कंदन में प्रदान है बच्चियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं साधुवाद इसलिए हे रानी एक परामर्श देता हूं तुम्हें एक परामर्श देता हूं चल करके मंगल साज सजाओ कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं भरत को अभिषेक कर दूंगा उसी अयोध्या का राजा बना दूंगा परंतु मेरे राम को मुझसे अलग मत कर नहीं तो अनर्थ हो जाएगा क्या कहो वो शोभावना मन छले मेरे पुत्र को मुझसे दूर मत महाराज दो वर्जो मैंने मांगे हैं दो वर्जो मैंने मांगे हैं
मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। क्या मेरे पास उपाय है? हाँ बताओ, शीघ्र बताओ, क्या उपाय? बता दूं? हाँ बताओ। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ महाराज, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। हाँ, बताओ। आदेश बात घर पर ही है, अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, मैंने किसी पंचों पर जाकर नहीं कही। आदेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो। क्या? केवल एक बार तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला पर था नहीं। जस्ट करे सावधान हो जाओ, मैंने तेरे सामने दो चार अश्रु क्या गिरा दिया, तू समझने लगी कि महाराज दशरथ सत्य से पिछले। तो महाराज सुन लो, हो प्रात मुनि बेहतर जो न राम पर जाए। अगर प्रातः होते ही राम पर को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण बच दूंगी। अरे तू क्या प्राण देगी, प्राण तो तू मेरे ले रही है। तू जो बार बार मुझको ये ललकारती है, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तुम मुझको ललकार नहीं। रानी तू अपने पांव पर है आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सर ढान ढान कर पछताएगी। लेकिन जो होना था वो हो चुका, अब कहने से होता क्या, जो बीत गई वो बीत गई, सो अब रोने से होता क्या। रानी रानी आचल पसार और दान भी ले, ताज भी ले, वनवास भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले। राम राम रटते रटते आज महाराज दशरथ को भुंसारा हो गया। दरवाजे के बाहर जो ही सूर्योदय हुआ, भारी भीड़ एकत्रित हो गई। आखिर क्या कारण हो गया जो दशरथ जी जागे नहीं? अरे सूर्य का उदय हो गया हो और महाराज जागे ना हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज पहली बार हुआ है कि दशरथ जी जागे नहीं है। दरवाजे पर मंत्री सचिव सब एकत्रित हो गए, आखिर कारण क्या है? खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू को सीख लो। इस समय महाराज दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं, कारण क्या है? सुबह होने वाला है, जाओ। निस्दिन वो प्रतिदिन इसी समय पर जाग जाया करते थे, लेकिन आज नहीं आए दरबार में। जाओ तुम शीघ्रता से पता लगाओ
ताकि उसका निदान हो सके। सेवक तुम अंधकार देखो, मैं सीधे महलों की ओर विस्तार कर रहा हूँ। गये ये सुमंत्रे तब लापूर माही देख भया बने जाते गिराही। हे दादा कहीं ऐसा ना हो कि ये शाही अयोध्या की समाज शोकातुर हो जाए, शोकातुर हो जाए। अभी महाराज हमारे पौड़े हुए, महाराज के चरणों में सेवक सुमंत्र का प्राण सूचित हो, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। महारानी को भी सेवक का प्राण सूचित हो। कहो कहो राजमाता, कारण क्या है जो आज अभी अवधिपति जाग करके राज दरबार में नहीं पहुंचे हैं, कारण क्या है? श्री सुमंत जी तुम जाओ महलों की ओर, महलों से बेटा राम को लेकर आओ। कहना हो आपकी मछली भैया के कहीं नहीं आपको शीघ्र बुलाया है। जैसी समझ गया अवश्य कुचाल चली कछुराली, इसमें महारानी कह गई कि अवश्य कोई चाल है। कभी तो महाराज महलों से जाग करके राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, अवश्य मैं पुत्र राम को लेकर